दोस्तों चलिए हम अब इस क्लोन फिश के रेनकोट की अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ ही साथ हम इसका रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ हम इसका लाइव टेस्टिंग करेंगे, लीकेज टेस्टिंग पानी में। जी हाँ दोस्तों, तो हमने इसे ओपन कर दिया, इसका पीछे का कुछ कवर्स ये है ऐसा, फिलहाल हम इसको हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों ये इसकी पैंट है और ये है जैकेट, तो सबसे पहले हम इसको जैकेट को देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं क्लोन फिश के इस रेनकोट का ये साइज है दोस्तों, ये एक्सल साइज का है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू एक्सल साइज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर के साथ लिखा है दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट में आपको क्लोन फिश का लोगो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा फ्लिप दे रखा है जो कि इसके जीपर को कवर करता है और इसके बटन पे भी क्लोन फिश का ब्रांडिंग की गई है। तो दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन मटेरियल दिया गया है, डबल लेयर है दोस्तों, जीपर भी काफ़ी बेहतरीन प्लास्टिक्स के जीपर दिए हुए हैं जो काफ़ी स्मूथ ऑपरेट हो रहा है। और दोस्तों ये उल्टा सीधा दोनों तरफ से आप इसको यूज़ करते हैं, मतलब कि अभी आप बैक साइड से पहन सकते हैं और ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में मटेरियल जो है ये पॉलिस्टर का है और नीचे आपको पीवीसी डबल लेयर है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉफ्ट है और आप इसको उधर से भी पहन सकते हैं और इधर से भी, यानी कि दोनों तरफ से आप इसको पहन सकते हैं। और दोस्तों दोनों तरफ से आपको ये जीपर और बटन दोनों तरह का देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके स्लीव की तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टेबल बटन दिए हुए हैं, दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक हुडीज देखने को मिल जाती है जो कि आपके सिर को कवर करती है और साथ ही साथ एक कैप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसके हुडीज कैप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम इसके बैक पार्ट को देखते हैं, इसका बैक कैसा है। तो पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग की गई है कंपनी का क्लोन फिश दोस्तों। साथ ही साथ ये नाइट रिफ्लेक्टर है तो मटेरियल काफ़ी बेहतरीन है, डबल लेयर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लेयर कोटिंग की गई है, ये पॉलिस्टर है, ये पीवीसी की कोटिंग की गई है। अब दोस्तों मैं इसे पहन के आपको दिखाऊंगा इसकी साइज कैसे आ रही है। साथ दोस्तों इसमें आपको एक पजामा देखने को मिलेगा, पैंट देखने को मिलेगा और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के, इसके इलास्टिक काफ़ी बेहतरीन है और इसमें भी दोस्तों डबल कोटिंग दी गई है, फ्रंट से आपको पॉलिस्टर और पीछे में आपको पीवीसी। तो इसके अंदर आप कुछ भी पहनेंगे तो इसमें लीकेज नहीं होगा, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। चलिए अब हम इसके पहनकर और इसको आपको दिखाते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी आती है। दोस्तों चलिए अब हम क्लोन फिश के इस रेन जैकेट को टेस्ट करते हैं पहन के कि ये कैसा। सबसे पहले हम इसके पजामे को टेस्ट करें दोस्तों। इसमें ऊपर में आपको पॉलिस्टर का फैब्रिक दिया गया है, डबल लेयर है और नीचे आपको पीवीसी का एक और लेयर दिया गया है जो कि काफ़ी परफेक्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमने पजामे को पहन लिया, अब हम रेनकोट को डालेंगे। दोस्तों ये है रेनकोट और अब हम इसको पहनने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं डबल लेयर की फैब्रिक्स है, ऊपर में आपको पॉलिस्टर के फैब्रिक्स है और नीचे में आपको पीवीसी देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम इसको बंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्मूथ सा जीपर देखने को मिल जाता है, हमने जीपर को लगाया और दोस्तों इसको आप 2-in-1 आगे और पीछे दोनों तरीके से पहन सकते हैं। तो इसको जीपर को आसानी से आप बंद करें, काफ़ी स्मूथ है जीपर वर्क करता है। दोस्तों ये पूरा हाई नहीं किया, आप देख सकते हैं एकदम यहाँ तक बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये हुडी का एडजस्टेबल है, यहाँ पे बटन है, इसको आप बंद कर सकते, बिल्कुल हाई नेक आपने बंद करना है। उसके बाद जीपर के ऊपर ये आपको एक कवर देखने को मिल जाता है, ये बटन के साथ आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे एक हुडी देखा जाएगा आपको, एक हुडी है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरह से पैक है, कहीं से भी हवा, यहाँ पे आपको हुडी को इसको एडजस्ट करने के यहाँ पे एक आपको ये एडजस्टेबल दिया जाता है जिसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कप को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं, दो बटन दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों तरफ दिए हुए। दोस्तों फैब्रिक काफ़ी बेहतरीन है, आगे दोस्तों कोई पैकेट नहीं दिया गया, पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर दिया गया, लाइट रिफ्लेक्टर यहाँ पर और साथ ही साथ ब्रांडिंग की गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों एक इसमें बुरी बात हमें ये लगी कि आगे तरफ कोई पैकेट नहीं दिया गया, लेकिन अंदर में दोस्तों यहाँ पे पैकेट दिया गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों अंदर में यहाँ पे मोबाइल रखने का एक केस दिया गया है, आप देख सकते हैं अंदर में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि डिवाइस पानी में सेफ रहे इसकी वजह से यहाँ पर अंदर केस दिया गया है, पैकेट दिया गया है, आप इसको अपने स्मार्टफोन को इसमें रख सकते हैं। दोस्तों फैब्रिक काफ़ी अच्छी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है, मुझे तो अच्छा लगा। अब चलिए दोस्तों इसका हम रेन टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ हम इसका लीकेज टेस्ट लेते हैं कि पानी में दोस्तों इसमें से लीकेज होता है या नहीं होता है। तो हम पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही बारिश होगी हम इसका रेन टेस्ट लेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि पानी में भीगने के बाद ये रेनकोट लीक करता है या नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों इसका हम रेन टेस्ट लेते हैं।
रेन टेस्ट के बाद अब हम लीकेज टेस्ट करेंगे कि इस रेनकोट में वाटर लीकेज होता है या नहीं होता है। दोस्तों इस बारिश का इंतज़ार मैं चार दिन से कर रहा हूँ कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि वाकई में ये रेनकोट सही है या नहीं। और दोस्तों अभी तक मैंने जितने रेनकोट की रिव्यूज़ की है उसका सबका मैंने बारिश का वेट किया है, क्योंकि दोस्तों आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि एक्चुअली में रेनकोट काम करता है नहीं करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों तीन दिन वेट करने के बाद आज बारिश हुई है, तो मैं इस बारिश में इस वीडियो को शूट किया और फिर आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों आधे घंटे बारिश में भीगने के बाद मेरे कपड़े में अंदर लीकेज गया है नहीं गया है, कपड़ा कितना ड्राई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपके सामने इसको ओपन कर रहा हूँ, दोस्तों आप देख सकते हैं कपड़ा बिल्कुल ड्राई दिख रहा है, कहीं से भी लीकेज नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आगे पीछे चारों तरफ से। दोस्तों आप देख सकते हैं पैंट भी बिल्कुल ड्राई है, मैं पैंट भी ओपन कर दे रहा हूँ, तो ये पैंट बिल्कुल ड्राई है। दोस्तों आप देख सकते हैं चारों तरफ से बिल्कुल ड्राई है। दोस्तों अगर आप इस रेनकोट को परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चों के लिए रेनकोट खरीदना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट रेनकोट फॉर किड्स का लिंक भी नीचे दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आप वुमन है और आप अपने लिए कोई रेनकोट परचेस करना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट रेनकोट फॉर वुमन का भी लिंक नीचे दे रखा है, आप जाके फिर जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया, दोस्तों को शेयर कर दिया और प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिया। ये दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद मतलब भगवान पर डिपेंड था कि बारिश कब हो, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ मैंने मेहनत को एक रंग जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।